आप कहाँ छुपे हो? हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तो शाम का टाइम हो गया, वैसे तो शाम के बज गए हैं 5। नीरज ने कहा था कि वो 4:30-5 बजे आ जाएंगे, बट वो आए भी नहीं और हम रेडी भी नहीं है। तो यहाँ पे उर्वी की जो पैकिंग है वो हो गई है, इसका बैग हो गया है रेडी, अब मैं अपना और आदित्य का बैग रेडी करूँगी। तो इसके लिए मैंने वो उर्वी का ही कपड़े आए बेटा, इसमें मैं अपने और आपके इकट्ठे डाल देती हूँ, ठीक है? तो इसमें उर्वी के ही कपड़े आ पाए हैं फिलहाल। तो ये रहा उर्वी का बैग, अभी मैं अपना और आदित्य का करूँगी रेडी। तो इसमें एक चीज़ डालने को रह गई है, वो है डायपर। तो अभी सिर्फ डायपर डालने के लिए रह गए, बाकी सारा इसका बैग का कपड़े क्रीम कंघी एवरीथिंग जो है वो बैग के अंदर जा चुकी है। तो अभी डायपर ऐड कर देते हैं बैग में, और बैग बेचारा धूल खा रहा था, तो उसको पहले अंदर से तो साफ था लेकिन बाहर से धूल ही धूल थी। तो फिलहाल इसको वो कर देते हैं, इसका टॉवल डाल दिया है, ड्राई शीट डाल दिए, ला ये ढक्कन इसका वो करो, कवर बंद करो बैग का। तो बस ये है, अभी आदित्य और उर्वी को रेडी करने का इतना ज़्यादा कुछ अभी शाम को है नहीं, तो अभी जो है सिर्फ पैकिंग करने पे मेन फोन टेड होगा। मेन फोकस जो है अभी पैकिंग करने पे है, तो बाकी रेडी होने के लिए तो हम लोग इतना टाइम खैर लगाते ही नहीं है, हम लोगों का जल्दी जल्दी का काम है, तो देर वाला काम हमारा नहीं है। तो लो जी, उर्वी का बैग हो गया है रेडी, उर्वी इज रेडी टू रॉक। तो चलिए अपने भी कर लेते हैं, अपनी पैकिंग नहीं मतलब अपने सामान की भी कर लेते हैं पैकिंग। और बेटा वो गद्दा ऐसे टूट जाएगा जिस हिसाब से आप बैठे हुए हो, तो चलिए। हाय, तो अभी जो है मैं हो गई हूँ रेडी, और जैसे कि मैंने बोला था रेडी मतलब अभी बिंदी बिंदी सब कुछ लगाने बाकी बची है, लेकिन हाँ वैसे रेडी हो गई हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने जो है क्या क्या मंगवाया है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने लिए मंगवाया है ये नवी का हैंड बैग। तो ये मैंने उस मकसद से मंगवाया कि बच्चों के साथ जो है कैरी करने के लिए थोड़ा बड़े बैग की ज़रूरत होती है, खासकर मदर्स को, क्योंकि आपको पता है एक माँ के बैग में बहुत कुछ सामान जो है वो जाता ही जाता है, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि सामान कैरी करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये रहा हैंड बैग, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और बात करूँ ना स्टफ़ की, बहुत ही सॉलिड जो है इसका स्टफ़ है। तो ये देख सकते हो, अभी काफ़ी बड़ा है कैरी करने के लिए भी, और मुझे इसका कलर ज़्यादा जो है वो पसंद आया। तो इसमें छोटे वाले बैग भी है, मतलब छोटे छोटे बैग छोटे साइज़ का आपको चाहिए तो वैसा भी मिल जाएगा। और ये सारी शॉपिंग जो है ये मैंने अमेजोन से की है, जो भी अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है एक स्लिंग भी मिल जाता है इसके साथ, तो आप चाहे तो इसे शोल्डर बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मंगवाई है वो मंगवाई है मैंने अपने लिए एक और कुर्ती, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। और ये जो कुर्ती है ये है W की है ये, और इसी तरीके की और सारी कुर्ती भी आपको मिल जाएगी अमेजोन पे। तो ये देख सकते हो इसका जो वर्क है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और इस तरीके से बंद गले में है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ बीच में इसमें CPO वाला जो काम है वो भी हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गले पे। और ये वैसे अम्ब्रेला उसमें, और इसको लेगिन जो है गोल्डन भी जा सकती है, आप मैरून या रेड लेगिन के साथ भी इसे पेयर अप कर सकते हो। तो ये है दूसरी बाजू पे, देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का इसमें वर्क है, प्रिंट जो होता है, आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, रबर प्रिंट उस टाइप का भी है इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। तो ये है सेकंड चीज़। इसके बाद जो तीसरी चीज़ मैंने मंगवाई है वो है एक बरसाती। अब आप बोलेंगे कि बरसाती का क्या काम है, क्योंकि तो बरसाती का बहुत ज़्यादा रोल है, खासकर आजकल बरसात के मौसम में। तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाना होता है, तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मंगवाई है। और ये ना रेनकोट है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि पजामा अलग से, बट ये रेनकोट है, तो काफ़ी अच्छे स्टफ में आप देख सकते हो। और इसकी जो रेटिंग है ना वो भी बहुत अच्छी थी, तो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट वाले जो मटेरियल है उसमें है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। और साथ ही में इसमें मिल जाती है यहाँ पर ये एक बेल्ट, ताकि अगर आप इसको फिट करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। स्लीव्स यहाँ से ये देखिए इलास्टिकेटेड स्लीव्स मिल जाती है, और हुडेड है, आपको पता है रेनकोट हुड में आते हैं। तो ये है तीसरी चीज़। इसके बाद एक और कुर्ता जो है
जो मैंने ऑर्डर किया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि है ओरेलिया का। और सारी शॉपिंग जैसे कि मैंने कहा कि अमेजोन से मैंने की है, ये देखिए। तो ये जो कुर्ती है कुछ इस तरीके से है, कॉलर में है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि इसमें कॉलर्स बने हुए हैं। और आगे यहाँ पे मिल जाता है एक इस तरीके से छोटा सा बटन, और स्लीव्स भी इसकी बहुत ज़्यादा हाफ भी नहीं है, फुल भी नहीं है, तो इस तरीके की स्लीव्स हैं। और कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट कॉटन है। तो ये है एक। और इसके बाद एक मैंने ये मंगवाया है एलोवेरा फेस मॉइस्चराइज़र ममा अर्थ का। तो ममा अर्थ के प्रोडक्ट आपको पता ही है कि बेस्ट है। और एक मैंने मंगवाया है ये हेना कंडीशनर ममा अर्थ का, क्योंकि शैम्पू मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कंडीशनर भी पहले था लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, तो मैंने दूसरा कंडीशनर मंगवाया, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, तो ये कंडीशनर एक मैंने मंगवाया है ममा अर्थ का। तो ये सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से मंगवाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब जल्दी से जो है रेडी हो जाते हैं, सामान वामान उठाते हैं और निकलते हैं फटाफट। 23rd and 24th July को है प्राइम डे सेल, तो आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी हम निकल गए हैं, अभी हम स्को पहुँचे हैं, लोअर स्को। तो अभी बस हाँ, ये रहे आदू और उर्वी। उर्वी अभी ऐसी बैठी है थोड़ी देर के लिए पीछे, ये ज़्यादा देर की वो है नहीं, सोने वाली है वैसे भी नींद में। क्या हो गया? ये गर्म होती है ना गाड़ी, तो हो ही जाता है लॉक ना हमारा, जब गर्म होती है गाड़ी तो थोड़ा सा हो जाता है, खुलता नहीं है जल्दी से। तो अभी पेट्रोल पंप के पास होते हैं ना, अर्जेंट भी लग जाता है ना। हाँ, चाय लगाने के बाद अंदर से तो खुली की नहीं हो। हाँ, चेक कर रहा था। वो डाल लिए थे तुमने कपड़े अपने बैग में? हाँ। अब थोड़ा धीरे चलना ना, ये वो कर रही है पीछे, खिल रही है। तो बस अभी देखते हैं, देखते कुछ खिला देना यार, बहुत ही भूख लग रही है हमको, है ना। ऐसा खाना क्या? नहीं ऐसा नहीं, जैसे ही जो गाड़ी में बैठ के खाया जा सके, लेट हो जाएंगे। अच्छा मैं बता देती हूँ, मैंने लोगों को मंगाएं कि मुर्गी मसल्ला मंगाएं कि क्या मंगाएं बताओ। मैंने बताया नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं ऊना, जा रहे हैं अमृता के पास। तो जो लोग ऊना से, अब वो शिकायत मत करना कि हमारे, हमें पहले बताया नहीं, बताया नहीं। तो ये ऑल ऑफ सडन हमारा प्लान बना है वहाँ जाने का। तो अभी प्लान तो बहुत लंबा है, प्लान बहुत लंबा है, प्लान अभी और आगे का है, लेकिन वो नहीं बताऊंगी मैं, वो बाद में शेयर करूँगी क्या है क्या नहीं है ना, ऐसे बता नहीं सकते इतनी जल्दी आप लोगों को, तो वो बाद में बताएंगे। गोलगप्पे वाला भी उठ गया, जा रहा है, टाइम खत्म हो गया अभी है। आज मौसम बड़ा अच्छा रहा, कपड़े पता कैसे हो गए एकदम करारे करारे। तो अभी हम एक जगह रुके हैं, अरु ऐसे बैठो, वैसे उर्वी को नींद आ रही थी, लेकिन अभी हम खाएंगे भुट्टा, छल्ली भूनने वाला बैठा हुआ है, अभी इसको नींद आ रही थी। तो नीरज जो है, अभी हमारे लिए भुट्टा जो है वो गरम गरम भुट्टा, मतलब नया नया भुनने के बाद ही लेके आएंगे यहाँ से। क्या 20 रुपए की थी? ये राजी हमारा छल्ली, खाएंगे छल्ली, छल्ली ते पुट्टा ते मक्की ते कुकड़ी, ठंडी होने देते हैं क्योंकि हमारी जल कुकड़ी भी बैठी है यहाँ पे। और ये मार देती है झपट्टा, रुक जा गर्म में। ले ले ले, फास्टन ड्राइवर सीट बेल्ट, फास्टन करो भाई, why don't you fasten your driving seat, seat belt, sorry, tell me, I forgot, once there was a lovely man living on the hills, what he saw, what he saw, a lovely woman out there, then he decided to friendship her, he said me friendship you, she said no, then the lovely गाना लगा दिया तुमने, गाना लगा दिया, कॉपीराइट आ जाएगा मुझे उसमें, कॉपीराइट आ जाएगा। ओके ओके, अच्छा फिर द लवली गर्ल हु वाज आल्सो लिविंग अलोन वन डे नीडेड टू रिपेयर हर स्कूटी, देन शी रियलाइज्ड, देन शी रियलाइज्ड दैट द ओल्ड लिटिल मैन, नो लवली लिटिल मैन, शी नीड द हेल्प ऑफ दैट मैन टू रिपेयर द स्कूटी। So that lonely man, he
living in the hills, got a call from that lovely little girl. Then he went to her home and he told her, I don't have money, eh? No. टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी ना स्कूटी ले गया एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर अलोन है अच्छा चलो जी अभी हम कहाँ पहुंचे नैनीताल नैनीताल के पास है दौलतपुर दौलतपुर पहुंचने वाले हैं अभी कब बोला था मैंने धर्मशाला में कह दिया था कि मुझे बहुत भूख लगी है प्लीज प्लीज अरे यार इतना तो चर्बी इकट्ठा कर ही लिए होंगे दो तीन घंटा इन बैलों का क्या किया जाए यार क्या कर सकते हैं स्वामी सत्संग व्यास गगरेट यहाँ पहुंचे बस अभी निकल आए क्या वो बच्चा चुप रहा है अच्छा और हमने क्लास क्रॉस कर दिया अरे अभी हम मिठाई लेने के लिए रुके हुए हैं मिठाई लेंगे फिर निकलेंगे क्या क्रॉस किया मम्मा क्या क्रॉस किया कुछ नहीं क्रॉस किया कौन सी जगह क्रॉस कर लिया हमने मुझे नहीं पता कौन सी जगह की बात कर रहे हो हमने तो बहुत सारी जगह क्रॉस की है मुझे क्या पता कि आप कौन सी जगह की बात कर रहे हो तो अभी जो है मुबारकपुर से हम लोग अंब की तरफ मुड़े थे लेकिन सामने की तरफ देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा बिजली जो है वो कड़क रही है और खूब जो है बारिश भी हुई है लेकिन हुई है रात में तो ये जो व्लॉग है ये तो सैटरडे का है लेकिन आप देख रहे हैं इसको मंडे को तो सैटरडे की रात की ये बात है इतनी ज़्यादा तो जी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं अमृता के घर पर हमने डिनर भी कर लिया और अधिक उनके अपने बगीचे के जो आम है वो भी वहाँ पे रखे हुए हैं आदित्य खा रहा है मेरा तो पेट बहुत भरा हुआ है ये रही उर्वी भी आम खा रही है तो अभी तो बेड पे रख के चले जाते वो रही प्लेट वहाँ पे और हर कहीं नहीं लगाने आम वाले हाथ समझ में आई ओके हाँ अच्छा देखो कहाँ रखा हाथ अब और पूरे पूरे खाना है इसमें पल्प रहना नहीं चाहिए ओके ओके अरुण नो नो गिर जाएगा इधर आओ बैठो नीचे बैठ जाओ गुड मॉर्निंग तो आज है नेक्स्ट डे और गुड मॉर्निंग से समझ ही गए होंगे कि सुबह का टाइम हो रहा है तो अभी हम बैठे आंगन में एकदम गांव वाली जो फीलिंग है ना वो आ रही है तो ये अमृता जो है उनके ससुराल वालों के आम के पेड़ लगे हुए हैं सामने तो आम जो है हम लोग अभी इंजॉय भी खूब कर रहे हैं यहाँ पे देसी आम हो गए
और चौसा आम, कलमी आम जो भी होते हैं बहुत सारे इनके यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये आंगन मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इनका। सामने तुलसी जी लगी हुई है और कुछ भिंडी के पौधे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे हरी मिर्च के पौधे जो है वो भी लगे हैं। नहीं करते इस अलार्म को, उसे आगे आगे क्यों करते रहते हो? अपने पति को अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं यार, ऐसे थोड़ा करते हैं, गाली देते हैं। गाली थोड़ी दे रही हूँ मैं, तू औरों की नींद खराब करते, खुद तो उठते नहीं हो क्या इस अलार्म से? चलो हम खुद ना सुधर पाए, हम जग को तो सुधार रहे हैं। रुक एक मिनट, इतनी जे रुक बस। कैसे लग रहा है आपको? बगीचे में भी आम लगे हैं। हैं, देखो गाड़ियाँ कितनी सारी लगी है ना। नहीं मैं ये कह रही हूँ आपको मासी घर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जो से बोले बहुत अच्छा। मजा आ रहा है? हाँ। आप देख तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके भी आ गया ना। वॉक नहीं की है बट ऐसे घूम के आया और सामने इतने अच्छे पेड़ पे आम लगे थे। बता ये देखो। नहीं मम्मी ने हम ना मॉर्निंग वॉक तो कर लिया हमने। हाँ छोटी सी रात को आज उन्होंने स्वाद स्वाद के चक्कर में इतने सारे आम खाए और बाद में उल्टी कर दी है। वो रहे वहाँ पे दोनों साडू। व्यू तो सुंदर है और आज मौसम भी भगवान की दया से बहुत अच्छा है। अदरवाइज गर्मी, कल रात को तो बहुत गर्मी लग रही थी जब हम आए थे बट अभी देखो। आदो ऐसे नहीं वो करो, अभी बादल बादल हो रहे हैं। तो यहाँ पे अमृता और अमृता की सासू माँ जो है वो किचन में काम कर रहे हैं, आई थिंक चाय वगैरह कुछ बना रहे थे। और मीनवाइल मैंने जो उर्वी को है दूसरे रूम में सुला रखा था। तो ये देखिए ये रही उर्वी यहाँ पे। और ये जो ब्लॉग है इसको भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब।